वेलकम बैक टू माई जतिन ब्लॉग। आप सब देख सकते हो आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, गाड़ी में। गाड़ी से स्टार्टिंग कर दी। आज आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, वो आप वहाँ पे जाके आपको पता दिखाएंगे कि सरप्राइज़ क्या है। वहाँ पे आप लोग खुद ही देख लेना कि क्या वहाँ पे जा रहे हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हम निकल चुके हैं, बस अभी निकले हैं। 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट ही क्या, अभी बस घर से 2 मिनट के रास्ते से बाहर निकले हुए हैं। अभी मिलते हैं आपको वहाँ पे पहुँच के। बाय बाय। 113 मोहाली लेक का ये है। वाओ कितना अच्छा है। मेरे नाल नाल रह तू मिट्टी पा दे सिगराते बिस्मिल्ला इश्क साडा हुण चढ़ूगा सिगराते मेरे नाल नाल रह तू मिट्टी पा दे सिगराते बिस्मिल्ला। हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अभी जाके अंदर जाके देखते हैं। शायद आप लोगों को ये देख के हम बैक साइड से आए हैं, फ्रेंड से नहीं आए हैं। और अभी इसकी ट्रैवल साइकिल इसके पापा साफ कर रहे हैं क्योंकि इसको गोदी उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देख सकते हो जतिन। हेलो 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 हेलो। ये देखो कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत प्रीटी लगते हैं ये। काश हमारी भी गाड़ी ऐसी होती, मज़ा आ जाता। ये भी हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, देखो पूरी तो है। ये यहाँ पे हम वॉक करने लग गए थे, यहाँ पे वॉक करके बहुत अच्छा लगा। मेरे से यहाँ पे बोला नहीं गया, यहाँ पे बहुत पब्लिक थी ना, इस करके मुझे बहुत शर्म आ रही थी। शर्म क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था। देख सकते हो यहाँ पे ये मतलब बहुत लोग आते हैं, पब्लिक तो बहुत थी वहाँ पे। पब्लिक के सामने ब्लॉग बनाना कितना शर्म होती है। लोकेशन देखना कितनी मस्त लगती है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ये। अगर जो जो इंडिया से बन मतलब चंडीगढ़ और मोहाली से उसने ये जगह देखी होगी तो उसको कितना अच्छा लग रहा होगा। जगह बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, तो अभी हम लगे हुए हैं घूमने के लिए। माइक यहाँ पे, फिर क्या मैं बोलेगा यहाँ पे हर कोई आ सकता है। मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको डालूंगी बायो में, तो आप लोग ज़रूर आना, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और रश ज़्यादा क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था। आप लोग बहुत एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे करने के लिए, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, बट हमने नहीं करी। वो देखो बोट, बोटिंग भी कर सकते हैं। ये उस टाइम जब हम गए थे तब नहीं थी, बाद में ये गई हुई थी, तो अभी हम नहीं जा सकते थे। हम खुद तो पैडल वाली नहीं कर सकते थे क्योंकि बेबी साथ में था। तो देख तो लो ना कितनी सेफ है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना अच्छा व्यू है, जिसने आना है वो आ सकता है घूमने के लिए चंडीगढ़ मोहाली का। मैं यहाँ में बायो में इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते जाने के लिए, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो। अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए चार्जेस लगती है, वरना घूमने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। बहुत अच्छा ये। यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, जो घर के पास वाले हैं यहाँ पे, मतलब घर के पास कह रही हूँ, लेक के पास वाले हैं, जो वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं।
ये बहुत अच्छा मोमेंट्स है। लोग यहाँ पे फोटोज करवा रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं और घर जाएंगे, घर में जाके रेस्ट करेंगे। जतिन बहुत तंग कर रहा है। आज का ब्लॉग इतना ही था, एंड करते हैं गाइस। ब्लॉग लाइक और चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, थैंक यू। तो जैसे कि गाइस मैंने ब्लॉग एंड कर दिया और मैंने आपको इतनी ब्यूटीफुल सी लोकेशन तो दिखाई ही नहीं थी मैंने, तो आप लोग आप देख सकते कितनी ये ब्यूटीफुल लोकेशन है। बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था। आप देख सकते हो मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि लोग भी बड़े अजीब से, बहुत अच्छे थे। और मतलब आपको कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा और मतलब गरीब अमीर हर कोई आ सकते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा था। ये जतिन और उसके पापा वेट कर रहे थे मेरी कि मैं ब्लॉग कर लूँ, जल्दी से आ जाऊँ। ब्लॉगिंग भी एक अपना काम होता है, वो बहुत मज़ा आता है मुझे।